कोई रोको ना इनको ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना ये तो खुद अपनी मंजिल है खुश रहो बेटा जीते रहो यूं इस तरह अचानक चले आने के लिए माफी चाहता हूं दरअसल कल तरमेजा चाची जी से हमारी बात हुई थी और वो शायद हमारी बात समझी नहीं हमने उनसे आज के लिए आपसे पूछने को कहा था कोई बात नहीं बेटा घर की ही बात है जी एक्चुअली कल हमारे गांव में शांति पाठ और हवन है ये हम हवन हर साल करते हैं हमारी दादी जी ने हमसे कहा कि हम आपसे इसी हफ्ते मिल लें और हमारे घर में बड़ों की बात सर आंखों पर बिल्कुल बिल्कुल होनी ही चाहिए अब तुम बैठो मैं सिमी और उसके पापा जी को बुला के लाती हूँ अभी तू बैठना तू तो जानता होगा नकुल को हाँ जरा ध्यान रखना बेटा मैं आती हूँ अरे क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो अभी कुछ नहीं आओ बैठो नकुल अभी हम तुमसे पहले भी 10 साल बड़े थे और आज भी हैं या शो तो अभी अभी तुमने हमसे ओह सो सॉरी प्लीज बैठिए बैठिए नकुल भैया ये ड्राइवर हमारा जाने कहाँ रह गया उससे हमने कहा था कि गाड़ी से मिठाई वगैरह ले आना घर की मिठाई हमने सोचा पहली बार परिवार से मिल रहे हैं सिमी जी से ये सिमी जी हैं कहाँ इनका नाम सिमी है या सिमरन को छोटा कर कर सिमी पुकारते हैं मैं पूछ कर आता हूँ मैं बहुत शर्मिंदा होती सच थी पर ये बात माँ पापा जी को तो नहीं बता सकती ना इसलिए प्लीज मुझे मरने दो मुझे नहीं जीना दे मुझे नहीं जीना दे लीपांडले से गले में घोट ले अपना गला कम से कम साफ सुथरी मौत तो मरेगी क्या चाहती है तू तेरी मरने के बाद तेरी हरकतों पे हम पोछा मारते बैठे तुझे क्या लगा था तू अपनी जान दे देगी और ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी माँ पापा जी को कभी पता नहीं चलेगा कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ किस लिए उनकी बेटी ने अपनी जान ली थी मैं विक्की से प्यार करती हूँ दी तुझे क्या लगता है प्यार में सब जाए ऐसे मैं क्या करूँ दी आप ही बताओ सबसे पहले कसम खा कि तू इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगी बात भी नहीं करेगी तू उससे 2-4 दिन में हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तेरा चेकअप कराएंगे तक तू इस घर में रहेगी माँ की हर बात सुनेगी चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह समझी जिसे तू प्यार समझ रही है
वो प्यार नहीं है नीतू। तू जानती है प्यार क्या होता है? प्यार यानी तुम्हारा नाम क्या है? सिमी या सिमरन? सिमी क्यों? नहीं कुछ नहीं, पल भर के लिए ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा नाम ही नहीं जानता। क्या हुआ अभी? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। क्या हुआ अभी? तुम ठीक हो? नहीं, कैसे रहूं ठीक? ये नकुल कहां से आया और क्यों आया? मेरे मॉम डैड को और कोई मिला नहीं क्या? तुम क्या बोल रहे हो? किस बारे में? कौन नकुल? नकुल सिंह डागर? मैंने उसी से तो साइकिल चलाना, बाइक चलाना, जीप चलाना सीखा था। हाँ तो अभी क्या हुआ नकुल को? अरे नकुल ही तो वो लड़का है जिसे मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए सजेस्ट किया है। तुम्हारा लेटेस्ट रिश्ता तुम्हारे लिए हॉल में वेट कर रहा है। मेरे घर में आ गया वो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी टेंशन में घूम रहा हूं? तुम्हें क्या टेंशन है अभी? क्या टेंशन क्यों नहीं होगी? मुझे क्या पता था मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इस डूड को भेजेंगे। मुझे लगा तुम्हारे लिए उनके जैसे किसी हाई सोसाइटी वाले को भेज देंगे। पर नकुल तो शरीफ है, एक अच्छा इंसान है और दिखता भी हैंडसम है। ये क्यों नहीं पसंद आएगा तुम्हारे पेरेंट्स को? अकेले बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, चाहे सारा दिन रोती रहे, लेकिन अंत में तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तू इस बीच क्या करती रही। सारा घर के काम में मन लगाया कर। अच्छा सुन, वो सिमी को देखने लड़का आया हुआ है, अनिता की माँ ने जिसका जिक्र किया था। जरा हलवाई के यहां से जाके समोसे कचौड़ी ले आ और अपने सामने गरम उतरवाना, इधर उधर हांटती मत रहना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नकुल कोई राजीव भल्ला नहीं है जो इस रिश्ते को मना करना इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब तुमसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स। सिमी, मैं फिलहाल तुम्हारे पापा जी से बात नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं की
मैं उनसे बात करूंगा, वरना नहीं। अभी इस रिश्ते में तुम्हारी फैमिली भी शामिल है। इस वक्त जल्दबाजी में तुमने कोई बात की तो दोनों परिवारों में हलचल मच जाएगी। और वैसे भी हम दोनों को इस तरह मिलना नहीं चाहिए। मैं नकुल से नहीं डरता, मैं किसी से भी नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोने नहीं वाला। अरे क्या पता नकुल मुझे रिजेक्ट करते, वो तो मुझसे अभी मिला भी नहीं है। अभी प्लीज तुम टेंशन मत लो। सिमी तुम ऐसे इतनी आराम से कैसे रह सकती हो? प्रॉब्लम है, वो क्या कहते हैं, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। उस रात जब आपको लगा कि मैं छत पे सो रही थी, मैं बाहर थी विकी के साथ, और अगर मैं कहूं कि फिलहाल मेरे सामने इससे भी बड़ी और गंभीर प्रॉब्लम है तो? हमारी दादी जी ने खास बनाई है घर की। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ लड़कियां कहाँ हैं, चाय भी लेकर आती हूँ। मंजू जी, लड़कियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। मंजू जी, आप सिर्फ चाय लेकर आइए, तब तक हम जरा आपस में बात कर लेंगे। बैठो बेटा। मेरी सिमों के बारे में तो तुम जानते ही हो, मैं नहीं चाहता कि फिर कोई, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसके बारे में बात कर लें। हम समझते हैं बाबू जी, अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद यही करते। आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। अच्छा मैं चाय ले आती हूँ। माँ जी, हम चाय में शक्कर नहीं लेते। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं तुम्हें अपनी सिमों के बारे में बत, ये मेरा बेटा अनुज। अनुज, और ये मेरी बहू अनीता। अरे अनीता को तो तुम जानते ही हो, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। हम तो बचपन में साथ खेले हैं। आई मस्ट से नकुल, बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम अब भी नहीं बदले और तुम भी नहीं बदली। लड़कियों को कैसे पेश आना चाहिए ये अब तक नहीं सीखा तुमने। नकुल, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अनुज, अभी से कहना मैं चलने के लिए तैयार हूं।
विक्की। रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे बैकग्राउंड के बारे में जान लें। तनेजा चाचा जी हमारे पिता समान हैं, लेकिन जिस तरह अनीता ने घर से भागकर शादी की ये हमारे यहाँ स्वीकारा नहीं जाता। हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ अपने बड़ों के कहे का ही पालन करती हैं। बच्चे ये कैसे गिरा दिया? ये मेरी बीच वाली है, पता नहीं कौन सी दुनिया में इसका दिमाग रहता है। लाओ माँ, मैं किचन में रख देता हूँ। मैं समोसे का इंतजार कर रही थी, सोचा था तब चाय लाऊंगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ जी रहने दीजिए, बिल्कुल तकल्लुफ मत कीजिए, हम तो वैसे भी यूं ही आपके लिए अचानक चले आए, पर हमें खुशी है कि हम आपसे बैठकर बात कर पाए। आप इत्मीनान से हमारे बारे में सोच लीजिए, हम इस हफ्ते शहर में ही हैं। ये हमारा कार्ड है, अगर आपको लगे कि हम आपकी बेटी के लायक हैं तो हमें बुलाइएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। चाय तो ले लेते बेटा। माँ जी आपका आशीर्वाद मिल गया, ये क्या कम है, चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी आज्ञा चाहूंगा। खुश रहो। गया नकुल, बड़ा ही अक्खर किस्म का बंदा है, लेकिन हाँ एम्बिशियस है और बहुत केयरिंग है, अपनों के लिए तो जान भी दे सकता है। पापा जी मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सिमिदी के लिए ठीक है। मुझे तो काफी पुराने ख्यालों का लगा ये। भाई मैं तो उससे मिली नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि बंदा ईमानदार जरूर है। कम से कम साफ साफ बात तो की उसने। हाँ लेकिन फैसला सिर्फ समिति को करना है। क्यों नहीं तू? सिमो, बेटा फिलहाल तो हम नकुल से सिर्फ मिले हैं और तुमने तो उसे देखा तक नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि वो साफ बात करने का आदी है, उसकी बातों में ईमानदारी झलकती है, लेकिन
ये सब कुछ इतना काफी नहीं कि हम उसके बारे में फैसला कर सकें। जी, अभी तो उसे बचपन से जानता है, लेकिन जी तो बताओ बेटा कि हमारी सिम्मो उसके साथ खुश रह सकेगी? Thank you.